मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आपके माध्यम से कि जिस प्रकार से 2014 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज किया, उसी परंपरा के तहत उसी को आगे बढ़ाते हुए, और प्रकृति का नियम होता है सदैव आगे बढ़ना, तो प्रकृति के इस नियम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी 2014 के चुनाव से भी बड़ी जीत आप सबके सामने पेश करेगी। और हमारे यशस्वी और हमारे आदर्श और हमारे, हम कहेंगे एक संत होने के नाते, एक दिव्य आत्मा के स्वरूप, परमात्मा के स्वरूप हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पुनः एक बार भारत की कमान अपने हाथों में संभाल कर और भारत को उस स्थान पर ले जाने का हर संभव प्रयास, हर भक्सम प्रयास करेंगे जिस स्थान पर भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। वो स्थान अगर किसी के माध्यम से सपना देखा जा सकता है तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से और उनके साथ जुड़कर और उनके निर्देशों पर देश आगे बढ़कर उस स्थान पर पुनः अपने आप को संभवतः खड़ा पाएगा। संतों को राजनीति में किस तरह से देखते हैं, क्योंकि संतों की रुचि राजनीति में बढ़ गई जबकि समाज सुधारक की भूमिका ज्यादा रहती है। राजनीति में आकर संत समाज जो है सदैव राजनीति का मार्गदर्शन रहा है और पूर्व के इतिहास में भी राज परिवारों के साथ जुड़कर राजगुरु के, क्योंकि राजधर्म और राजदंड, राजदंड का जो है वो संतों ने सदैव अपने धर्म का उसका पालन किया है। और इस राजनीति में आकर आपने संत परंपरा से जुड़े हमारे योगी आदित्यनाथ जी को जिस प्रकार से आपने देखा है, जिन्होंने यूपी की हर उस स्तर की व्यवस्था, जैसे प्रशासनिक व्यवस्था, वहाँ के संपूर्ण विकास को किस प्रकार से एक रोल मॉडल के तौर पर पूरे भारत के सामने पेश किया है और पूरे विश्व के सामने पेश किया, क्योंकि यूपी एक स्वयं अपने आप में एक पूरा देश है, पूरा साम्राज्य है, और योगियों ने, संत ने उस साम्राज्य को, उस यूपी प्रदेश को किस प्रकार से अपने हाथों से उन्नति के पथ पर अग्रसर किया है। को जो नागरिक राष्ट्र के लिए सोचता है, राष्ट्र के लिए आगे अपनी कार्यक्रमों के माध्यम से जनता जनार्दन की सेवा करने का अगर औदा रखता है तो उसको राजनीति के अंदर आकर और उसको और भी अच्छे तरीके से चलाने का कार्य करना चाहिए। अलवर में पार्टी चुनाव हारी है, कैसे मानोगे? अलवर में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 3.25 लाख वोटों से हमारी भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी और पूरे भारत में कमल का फूल खिलेगा। ठीक है।